हेलो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स से एक्सरसाइज 1.3 से लास्ट वीडियो में मैंने आपको अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया था और उसके बाद कंपेयर करने के लिए बताया था। आपको एक्सरसाइज 1.3 से ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि फॉर्म करना, बनाना बड़ा से बड़ा यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। यूज़ द डिजिट ओनली वंस, और डिजिट को केवल एक बार ही यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, लिखना है। आप दोबारा कोई डिजिट को यानी कि यूज़ नहीं कर सकते लिखने में, ठीक है। मैंने नीचे ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिख के रखे हैं जो आपको बनाने हैं, और एक मैंने एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया यानी एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इससे मैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर बनाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से पहले सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जितने भी डिजिट है तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से सुन लीजिए, अगर हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटे नंबर पे एडजस्ट करें या उसको सजा दे या लिख दे तो वो ग्रेटेस्ट बनेगा, और सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करके सबसे बड़ा नंबर पे इंड करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट बनेगा। मैं आपको दोनों बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? मैंने बोला कि सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा पे इंड करेंगे, या यू कहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर कहने का मतलब कि बड़ा नंबर, इस जितने भी डिजिट है इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा। गुड गुड गुड, ठीक से लिखो, ठीक से लिखो, ठीक से लिखो, मिटा के गलती है। सबसे बड़ा नंबर है 9, ठीक है। 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब बड़ा से छोटा हम सजा रहे हैं। 9 के बाद हमारा बच गया 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और लास्ट 0, सबसे छोटा 0 है। आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, नंबर को डिसेंड करके मैंने सजा दिया। यही हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूँ स्मॉलेस्ट, तो आपको डिजिट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि 0 है तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बिफोर 0 लगा देते हैं तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब कि आपका वो 0 बेकार हो गया। आपको 0 को यूज़ कर देना है, तो इसलिए 0 कहाँ आएगा? यहाँ 3, 4, 7, 9, ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, मैंने क्या बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख देते हैं तो ग्रेटेस्ट हो जाता है, और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो स्मॉलेस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, बाकी ये आपके पास क्वेश्चन हो गए 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, फिर अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे जिसमें है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। थैंक यू।